नमस्कार गाइस, वेलकम टू माय चैनल आदवी की पाठशाला। आज का टॉपिक है एसिड रेन। इन जो सन से हीट आता है जिसके लिए रिवर है, रिवर को पहले गर्म किया, उसके बाद वाटर वेपर होके ऊपर गया। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आसमान के ऊपर ठंडी बढ़ेगी, उसके बाद क्लाउड्स बन जाता है। और हमारी दुनिया में, पूरा दुनिया में फैक्ट्रीज है। फैक्ट्री से तीन गैस निकलते हैं जो एसिड रेन के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यही तीन गैस हमारे क्लाउड्स में मिल जाते हैं, उसके बाद रिएक्शन करता है, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है और नाइट्रिक एसिड हो जाता है। जब रेन के साथ जब निकलता है ये दोनों केमिकल, उसके बाद रेन से जब निकलता है तो ये देखिए एसिड रेन होता है। और जब हमारे जमीन पे जाता है तो जमीन को बंजर कर देता है, ट्रीज पे जाता है तो ट्रीज को जला देता है, और हमारी पूरी पुरानी पुरानी इमारतें जो होती है, जैसे हो गया कुतुब मीनार, कुतुब मीनार पे जाएंगी तो दीवार खराब कर देगा और फीका पड़ा देगा। यही होता है एसिड रेन। अगर पानी में जाएगा, पानी की कॉन्टैक्टी केमिकल भी हो जाएगी और जिससे मछली की डेथ भी हो सकती है और हमारी पूरी दुनिया में बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें कम से कम फैक्ट्री को यूज करना चाहिए, इसमें ज़्यादा बनाना नहीं चाहिए और फैक्ट्रीज को ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। हमारा फैक्ट्रीज बहुत गंदा है और एसिड रेन भी गंदा है, इसलिए हमारा पहले के ज़माने में फैक्ट्रीज नहीं होती थी, इसलिए इसको एसिड रेन नहीं कहा जाता। जब फैक्ट्रीज आने लगी है तो एसिड रेन अब कहलाया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो चलिए बाद में बात करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।